हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि GTA 5 मोड्स में हम होंडा 125 को कैसे इंस्टॉल करें। तो हमने यहाँ से करना क्या है कि ये 5 मोड्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ से इसकी जो सेटअप है उसे डाउनलोड करना है। खैर, यहाँ पे जैसे मैं लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपने करना क्या है कि इसे डाउनलोड करना है, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है जो कि ये रही। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, ओपन IV ओपन करना है। तो उसके बाद करना क्या है कि जो हमारा यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन थी ये हमने इसे खोल दिया है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने ऐसे एक सेटअप बना फोल्डर बनाया हुआ है कि मोड्स के जो बैकअप्स के जो ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं मैं उनको अलग से रख रहा हूँ, ताकि बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं क्या उनको कर लूँ। इसका नाम था BATI, ऐसा कुछ नाम है आई थिंक। इस फोल्डर बना के फोल्डर जिसे इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आना है, ये तीन तो हैं जो नई उसके पास है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, ओपन IV खोल के उसके अंदर मोड्स में जाना है। मोड्स के बाद X64E में जाना है, उसके बाद लेवल्स के अंदर आके GTA 5 के अंदर आके उसके बाद व्हीकल्स ओपन करना है। व्हीकल जैसे ओपन हो जाएगा फिर से एडिटेबल मोड में करना है, ठीक है। तो इसे हम यस कर देंगे, यहाँ से सर्च करेंगे बाइक का नाम अवेलेबल है। देखें यहाँ पर ये है, तीन फाइल हैं। अब इन तीनों फाइलों को क्या करना है, सिक्योर करना है हमने इस जगह पे, ताकि बाद में सेव, यहाँ से इनको ड्रैग करके इस जगह पे रख देना है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल मेरे पास यहाँ पे सेव आ गई, इसे मैं काट दूंगा। अब जो है यहाँ पे ये, अब जो ये तीन कॉपीड हैं यहाँ पे जो नई वाली फाइल्स हैं, उनको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गई, जो अभी नई होंडा है वो यहाँ पे आ गई है। चलें, तो अभी फिर वापस क्या करना है, इसे कट कर देना है, इसे भी कट कर देना है। तो अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी गेम को ओपन करेंगे। हाँ, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग गेम के अंदर आ गए हैं। तो अब हमने सिंपली करना क्या है, अगर ये आपके पास मेन्यू जो है ट्रेनर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने सिंपली क्या करना है, F8 को दो बार प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर व्हीकल्स ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद व्हीकल्स स्पॉनर। तो देन हम लोग यहाँ से करने के, क्योंकि हमारे हमें तो सर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी बाइकें होंगी जो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। खैर, अब क्या करना है कि इनपुट मॉडल पे क्लिक करेंगे। बाइक का नाम आपने याद रखना है कि क्या बाइक का नाम था, इसका नाम था BATI, ये करके लिख के और इंटर कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारी CG125 आ गई है, देख सकते हैं। अब इस पर इंटर करने बैठ जाएँ और अब इसके मज़े लें। पाकिस्तान गलियां तो नहीं हैं, पर 125 यहाँ बड़े मज़े चलेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना, और कमेंट्स में बता दें कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि अगर उनको ज़रूरत हो कि कैसे डाउनलोड वगैरह होती है। और उसके अलावा यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग बहुत सही जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो फिर हम लोग जल्दी 100 फिर देन 1000 सब्सक्राइबर भी कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।